I'll explain you the principles of landscape design one by one. Principles of design. Design principles guide designer in organizing elements for a visual pleasing landscape. A harmonious composition can be achieved through the principles of proportion, order, repetition and unity. Design principles ka kya kaam hai? कि एक गार्डन, एक जो गाइड है, डिजाइनर है, उन वो आपस में एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करे ताकि हमें प्लीजिंग लैंडस्केप मिले। और अगर हमें हार्मोनियस कंपोजिशन अचीव करनी है तो वो हम किससे कर सकते हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शन, ऑर्डर, रिपीटिशन एंड यूनिटी। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट आर द टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन अ डिजाइन। ये दो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। पीपल फील मोर साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल इन द लैंडस्केप दैट हैज ऑर्डर एंड रिपीटेशन। लोग साइकोलॉजिकल कंफर्ट कब फील करते हैं? विद द ऑर्डर्स एज ऑर्डर एंड रिपीटेशन। एंड यूजर फील्स मोर फिजिकली कंफर्टेबल, function better and feel more secure in landscape with the proportion and compatible to human scale. Principles of design. Number one is unity. Number two is simplicity. Number three is balance. Fourth, focal point. Fifth, repetition and rhythm. And sixth is transition. Unity. What is unity? Unity creates a landscape from color, curve lines, straight lines, constructions line or material or textures. हम unity color से develop कर सकते हैं, curve line से develop कर सकते हैं, straight line से develop कर सकते हैं, construction line से develop कर सकते हैं, या हम material से, या हम texture से unity को create कर सकते हैं। Unity क्या है? Unity is the quality of oneness. Unity एक quality है. Unity attracts and holds attention. जो यूनिटी है वो अट्रैक्ट करती है और अटेंशन को होल्ड करती है। यूनिटी ऑर्गेनाइज व्यू इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स विद एम्फेसाइज। यूनिटी कैन ड्रॉ अटेंशन टू और अवे फ्रॉम समथिंग। यूनिटी अटेंशन को गेन करती है, चाहे वो नजदीक से अटेंशन को गेन करे, चाहे वो फार स्पेस से अटेंशन को गेन करे। यूनिटी द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल। यूनिटी टाइम द लैंडस्केप टूगेदर। यूनिटी लैंडस्केप को आपस में बांध के रखती है। यूज सिमिलर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। ये कुछ इमेजेस हैं जो आपको यूनिटी डिफाइन कर रखी है। इस फर्स्ट इमेज में विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइंस एंड कलर हमें यूनिटी देखने को मिल रही है। इसमें एक स्कल्पचर दिखाया हुआ है, ये यूनिटी, ये हमारी अटेंशन और अट्रैक्शन को फोकस करता है। यहाँ पे हमने एक सेंटर में प्लांट्स लगाए हैं, सेंटर में, जो यूनिटी के, जो यूनिटी को डिफाइन करते हैं और अटेंशन को गेन करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कर्व लाइन से स्टेप्स बनाए हैं जो यूनिटी को, जो अट्रैक्शन को गेन करते हैं। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फाउंटेन इन द सेंटर हमने यूनिटी दिखाने की कोशिश की है। जो सेंटर पॉइंट में अट्रैक्शन को गेन करे दैट इज नोन एज यूनिटी। यूनिटी चाहे हम दूर से जाके देखें, चाहे हम पास से देखें, अट्रैक्शन और अटेंशन को गेन करती है। यूनिटी इन लैंडस्केप डिजाइन इज द ओवरहैंगिंग डिजाइन प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ होलनेस और हार्मनी इन द लैंडस्केप। नाउ द सेकंड टॉपिक इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज द एसेंस ऑफ अ डिजाइन। विजुअली, functionally and aesthetically improves the appearance of landscape at an affordable cost. Visually dekhna, function and aesthetic appearance ke sath ek design ko improve kar deti hai aur affordable cost ke sath. That is known as simplicity. Achieved by the repetition of ideas or material. Hum kaise simplicity ko achieve kar sakte hain? Apne ideas और जो मटेरियल है उसको रिपीट करके। सिंप्लिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द नॉन एसेंशियल फीचर्स टू अवॉइड अ कैथोडिक लुक। जो नॉन एसेंशियल फीचर है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको रिमूव करके हम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। रिड्यूस द डिफरेंट नंबर्स ऑफ थीम,
the reduction of a design to its simplest functional form, which avoids unnecessary cost and maintenance. Simplicity क्या है कि ये unnecessary जो cost होती है उसको भी reduce करती है और जो unnecessary हम maintenance करते हैं उसको भी reduce करती है जब हमने simple एक landscape choose कर रखा है. Less can be more. Simplicity in the limitation of change. One of the most common problem in the landscape क्या होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, trying to do too much. Simplicity is essential for the landscape design. Simplicity एक essential element है, essential principle है landscape के अंदर. Plants and other material of designing a landscape component into a simple unified scape is always an exciting challenge. जो सिंपल हम डिजाइंस चूज करते हैं वो ज्यादा एक्साइटमेंट प्ले करता है इन लैंडस्केप डिजाइन. यहाँ पे अब मैंने बहुत सारी इमेजेस आपको डिफाइन करी हैं. फर्स्ट इमेज में हम लोगों ने चेक सिस्टम यूज करा है, चेक विद द पाथवेज. ये सिंपलिसिटी, मेंटेनेंस भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक डिजाइन, एक यूनिक डिजाइन हमारे को देखने को मिल रहा है. इस इमेज में भी हमने प्लांट्स की शेप्स को अलग चेंज किया है, बट सिंपल, सिंपली हमने एक ही एलिमेंट को यूज किया है, रिपीट किया है सेम एलिमेंट को. फर्स्ट इमेज में भी हमने सेम एलिमेंट्स यूज करे हैं, सेम ट्रीज, सेम श्रब्स, सेम सब कुछ यूज करा है. एक सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी शोन इन द इमेज फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ लैंडस्केप. ये भी हमने सेम प्लांट, सेम कलर, सेम फॉर्म, सेम थीम यूज करी, दैट इज सिंपलिसिटी. ये पूरी इमेज आपको एक सिंपल और अच्छी इमेज, अच्छी सीनरी, अच्छी इमेज डिफाइन कर रही है. सिंपलिसिटी एंड वैरायटी इज अ डिग्री ऑफ रिपीटेशन रेदर देन कॉन्स्टेंट चेंज और क्रिएटिंग यूनिटी. रिपीटेशन है रेदर देन कॉन्स्टेंट चेंज और क्रिएटिंग यूनिटी. Diversity and contrast in the form, texture and color, preventing monotony. Contrast in form, texture and color, जो हमें क्या provide करती है? Monotony. Now the third is balance. Balance is of two type, formal balance or informal balance. Formal balance क्या होता है? जो हम right और left side में same element, same यूज करते हैं, दैट आर द फॉर्मल बैलेंस. जो हमें क्या देते हैं? गिविंग स्टेबिलिटी, स्ट्रेट लाइंस एंड डिग्निटी. इनफॉर्मल बैलेंस आर डिफर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गिविंग क्यूरियोसिटी, मूवमेंट एंड फील्स अलाइव. दो इमेज हैं, दो इमेज में फर्स्ट इमेज इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मल बैलेंस एंड इन सेकेंड इमेज द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल बैलेंस. इन फर्स्ट इमेज ए विकर्ट tree by a center straight line, then both the sides the elements are same, that is known as formal balance, which gives the stability, straight lines and dignity. And in this image, informal balance, if we cut from center line, then the elements on both the sides or component on both the sides are different, that is image shown as informal balance. Now symmetrical balance. Symmetrical balance is where there are more or less equally spaced matching elements of in garden design like a mirror image. Simplicity का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक मिरर इमेज ऑन बोथ द साइड्स. इसका ये एग्जाम्पल है, अगर हमने इस एरिया को सेंट्रल एक्सिस, चाहे हमने वर्टिकल चाहे हमने हॉरिजॉन्टल कट करा, तो हमें दोनों तरफ हमें एक सिमिलर इमेज मिलेगी, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल बैलेंस. फॉर्मल बैलेंस रिपीट द सेम लेफ्ट एंड राइट, गिविंग स्टेबिलिटी एंड डिग्निटी. इट मीन्स हाई मेंटेनेंस, कीप बोथ साइड सिमिलर. जो सिमेट्रिकल बैलेंस है उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है ताकि हम दोनों सेम रख सकें, सेम हाइट, सेम कलर, सेम शेप. Symmetrical balance can be boring. जो symmetrical balance है, दोनों side same image होगी, so it means कि ये boring हो सकता है.
institutions of visual weight and equally distribution of visual weight equally dono side dekhne ka nazariya weight equal hona chahiye. Eye feels the sense of unity or the eye movement indicator. ये दो images हैं, ये भी हमें symmetrical balance define कर रही है, that is known as formal balance. अगर हमने इस road को central axis से काटा तो दोनों तरफ roads के same element, same component, same size, same shape, same visual and same weight define हो रहा है. इस second image में भी वही show हो रहा है, अगर हमने इसको central axis से इसको बोल को काटा तो एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में सेम कलर सेम वेट सेम टेक्सचर सेम फॉर्म हमें सेम विजुअल शो हो रहा है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल बैलेंस. ताजमहल इज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस एंड दिस इमेज आल्सो शोज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस. इफ वी कट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस शोन बोथ साइड्स इक्वल और बैलेंस राइट. नाउ असिमेट्रिकल बैलेंस. Asymmetrical balance is where their balance is not depend upon the shape of your garden. It can be, but generally it not. आपकी garden की shape को नहीं देखता, देख भी सकते हैं और नहीं देख सकता. Indicates movement achieved by using similar ideas but different things on either side. Idea similar हो सकते हैं but things different हो सकते हैं दोनों sides में. Informal balance differs from left to right. ये left और right में different होते हैं जो क्या हमें feel कराते हैं, curiosity, movement and feels alive. This image, जो first image है, ये हमें define कर रखी है. अगर हम इस center axis से इस image को काट दें तो दोनों जगह same elements, same component, same size, same shape, same weight नहीं है. That is example of asymmetrical balance. इन सेकेंड इमेज में अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं, हमने क्या आइडिया सेम करने का सोचा था, बट जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अलग हैं. शेप हमने गार्डन की यही ली दोनों साइड, बट इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है राइट. अब ये इमेज जो मैंने लास्ट में सिमेट्रिकल बैलेंस में दिखाई थी, अब इसमें है. अगर मैं इसको सेंट्रल एक्सिस से काटती हूँ तो ये दोनों साइड इमेज सेम नहीं है, ना इमेज सेम, ना शेप सेम, ना कॉपी, ना उनकी कलर, ना कॉन्ट्रास्ट, ना टेक्सचर, कुछ भी सेम नहीं है. सेम सिमिलर लाइक दिस, अगर मैं इसको सेंट्रल एक्सिस से काटती हूँ तो ये भी दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, ये असिमेट्रिकल एलिमेंट है कंपोनेंट्स के बिहाफ पे, शेप के बिहाफ पे, टेक्सचर, कलर, किसी भी बिहाफ पे. टोटल मास ऑफ प्लांट्स नीड टू बैलेंस लेफ्ट एंड राइट इन द डिजाइन इज जस्ट एज वर्ड इम्पोज अ सेंस ऑफ इक्वली बट इन ओनली विजुअल मैसिव बैलेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. असिमेट्रिकल बैलेंस cannot be boring. Asymmetrical balance boring नहीं है, symmetrical balance boring है. ये image हमें यही define कर रखी है, central axis जो हमें asymmetrical balance define करे. इस image में भी यही है कि अगर हमने इसको central axis से काटा तो इधर भी अलग image, इधर भी अलग, इधर भी अलग components, इधर भी अलग shape, by weight, by texture, by form, by color, asymmetrical balance define हो रहा है. बैलेंस दो तरह के होते हैं, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल. फॉर्मल को हम सिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं और इनफॉर्मल को हम असिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं. फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट क्या होता है? अ सेंटर ऑफ इंटरेक्ट, अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट दैट टेक्स अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस इन द लैंडस्केप कैन बी, चाहे वो एक सिंगल ट्री से हो, चाहे वो ब्यूटीफुली डिजाइंड वाटर फीचर हो, चाहे वो अ पीस ऑफ स्कल्पचर हो. That is a focal point की images examples हैं. ये हमने center में एक fountain लगाया, that is a focal point. ये हमने एक center में tree लगाया, that is focal point. और यहाँ पे हमने एक beautiful sculpture दिया, that is a focal point. In a center जो interest create करे, that is known as focal point. Repetition and rhythm. By repetition using identical or similar components elsewhere in the landscape, it is easy to achieve a unified planting scheme. Chahe repeat karke, chahe similar components,
चाहे उनकी शेप हम एल्सवेयर इन प्लांट्स यूज करें, दैट इज नोन एज रिपीटिशन. रिदम क्या होता है? द प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स, पार्क, फर्नीचर एक्सेट्रा, आइदर इंडिविजुअली और ग्रुप. जो प्लेसमेंट होती है प्लांट्स की, चाहे वो हम ग्रुप में करें चाहे वो इंडिविजुअल करें, वो रिदम. रिदम मीन अ फॉर्म ऑफ अ म्यूजिक, उसकी शेप में करें. दीज टू एग्जाम्पल्स आर ऑफ रिपीटिशन एलिमेंट्स. हमने सिमिलर कंपोनेंट्स एल्सवेयर इन अ प्लांट यूज करे हैं. दीज आर द एलिमेंट्स जो हमने रिपीट यूज करे हैं इन अ लैंडस्केप. यहाँ पे ये हमने प्लांट्स यूज करे हैं रिपीट, रिपीटिशन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, सिमिलर शेप, सिमिलर कंपोनेंट्स, जो हमें क्या डिफाइन करता है? यूनिफाइड प्लांटिंग स्कीम्स. ये हमारे पास एग्जाम्पल है. रिदम फॉन्ड ऑफ अ म्यूजिक, ये कर्व लाइन म्यूजिक की शेप में हमने जो यहाँ पे पाथ को डिफाइन करा है, दैट इज अ प्लेसमेंट ऑफ पार्क. इसके अराउंड में हमने जो प्लांट्स, पार्क, फर्नीचर को प्लेस करा है, दैट इज रिदम. चाहे वो ग्रुप में हो चाहे वो इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल प्लांट्स का एग्जाम्पल है, ये ग्रुप्स के प्लांट्स का एग्जाम्पल है जो कर्व शेप में आ रहे हैं. ये इमेज आपको देखने को मिली जो कर्व शेप्स में आ रहे हैं, राइट? Repetition in plants and hardscapes using the same plants repeatedly in the landscape is a simple repetition. एक ही प्लांट को रिपीट करना लैंडस्केप में, उसको सिंपल रिपीटिशन बोलते हैं. जो ग्रास है, ग्रास गार्डन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टबल प्लांट रिपीटिशन. रिजोल्यूशन कैन बी अचीव विद अ ग्रेजुअल चेंज इन अ हाइट और अ साइज. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग स्मॉल ग्रास इन अ फ्रंट एंड बैक by medium grass and then by the large. ये एक छोटा सा example है, हमने repetition करनी है grass से. तो जो छोटी height की grass है वो हम front lawn में use कर लें, medium हम second lawn में use कर लें, and जो height वाली grass है वो हम third lawn में use करें. Repetition भी हो गया, element भी same है, that is known as simple repetition. और repetition हम किससे भी कर सकते हैं, from fine to coarse texture और from light green to dark green, इससे भी हम repetition क्रिएट कर सकते हैं. नाउ स्केल, स्केल क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट स्केल, रिलेटिव स्केल, लो स्केल एंड हाई स्केल. एब्सोल्यूट स्केल इज एग्जांपल ऑफ ह्यूमन स्केल, रिलेट करता है कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ लैंडस्केप एलिमेंट टू अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर. जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स है उसके साथ अपने जो एलिमेंट्स है उनको कंपेयर करता है, दैट इज एब्सोल्यूट स्केल. रिलेटिव स्केल रिलेट करता है कंपैरेटिव रिलेटिव साइज और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लैंड. जो ऑब्जेक्ट्स हैं लैंडस्केप के उनसे रिलेट करता है उनकी साइज और उनकी वैल्यू के साथ. लो स्केल जो हमें क्या डिफाइन करता है? रिलैक्स और काम. हाई स्केल प्रमोट करता है हमें एक्शंस को. नाउ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या होता है? Simply refer to the size of element in relation to each other, that is scale. दो elements को आपस में relate करना, that is known as scale. Relative proportion is the size of an object in relation to other object. Relative proportion क्या होता है? Size of object अदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना. एन इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूट स्केल इन अ डिजाइन इज अ ह्यूमन स्केल. जो डिजाइन के अंदर एब्सोल्यूट स्केल है वो क्या है? एक ह्यूमन का स्केल है. अ फीलिंग ऑफ बैलेंस कैन ऑल्सो बी अचीव बाय हैविंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ओपन स्पेस एंड प्लांट. बैलेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इक्वल और इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ओपन स्पेस एंड प्लांट्स के साथ. प्रपोर्शन क्या है? सेंस और रिक्वायरमेंट दैट द साइज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स इन अ लैंडस्केप फिट इनटू द होल लैंडस्केप. चाहे एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है चाहे ग्रुप कंपोनेंट है, वो हमारे लैंडस्केप के अंदर फिट हो, लैंडस्केप में वो ऑकवर्ड ना लगे, वो लैंडस्केप का एक पार्ट बन जाए, दैट इज नोन एज प्रपोर्शन. कि दो एलिमेंट्स को आपस में रिलेट कराना. प्रपोर्शन इज द रिलेशनशिप विद विड्थ और लेंथ ऑफ एन एरिया ऑफ रिलेशनशिप टू द पार्ट और ऑर्गेनाइजेशन. प्रपोर्शन क्या होता है? रिलेशनशिप विद विड्थ और लेंथ ऑफ एन एरिया.
width और length एक area को जो relationship show करता है the part of organization. Special हमें क्या consideration रखना होता है? And study should be given for proper plant selection to avoid using plants that are out of proportion. हमें वो plants avoid कर देने चाहिए जो हमारे out of proportion जा रहे हों. Scale usually bears reference of a size of a thing or object that appears to have a pleasing relationship to other things or to design as a wholeness. ये हमारे पास कुछ examples हैं जो define कर रहे हैं हमारे एक proportion. यहाँ पे हमने sitting arrangement define करी है और यहाँ पे हमने एक boundary wall. ये आपस में relate कर रहे हैं that are in proportion. बिल्डिंग के सामने जो लैंडस्केप है दैट इज इन प्रपोर्शन. स्कल्पचर दैट ऑल आर इन प्रपोर्शन. सिटिंग फोकल पॉइंट स्टेप्स दैट ऑल आर इन प्रपोर्शन विच रिलेट्स विद अदर कंपोनेंट इन अ लैंडस्केप दैट इज नोन एज प्रपोर्शन. विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट स्केल विच इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्केल हम उससे रिलेट करते हैं. ट्रांजिशन द इफेक्टिव यूज ऑफ सीक्वेंस इज ऑफन एम्प्लॉयड टू क्रिएट विजुअल मूवमेंट इन लैंडस्केप. जो हमें विजुअल मूवमेंट क्रिएट कराए दैट इज नोन एज ट्रांजिशन. ये एग्जांपल है. यहाँ पे फर्स्ट इमेज में एक विजुअल मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट हमें क्रिएट हो रही है अलोंग विद द बिल्डिंग एंड लैंडस्केप दैट इज नोन एज ट्रांजिशन. यहाँ पे हमने स्टेप्स के साथ ऊपर हमने परगोलास डिजाइन करे हैं दैट इज एक विजुअल हमें जो मूवमेंट क्रिएट करा रहे हैं. यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में हम लोगों ने लैंडस्केप दिया है और कुछ पार्ट हमने स्ट्रेट दिया है दैट इज विजुअल मूवमेंट इन द लैंडस्केप जो हमें सेंस प्रोवाइड कराए. वेराइटी वेराइटी मीन्स वेराइटी इज द स्पेस ऑफ अ लाइफ. विदाउट वेराइटी in a both the use of hard and soft landscape material this can lead to unfavorable result. agar variety nahi hai aapke landscape mein to wo hame image zyada achhi nahi lagegi wo unfavorable result define karenge. applying the principles and elements of design hum kyun apply karte hain principles of elements design. the fundamental concept of landscape design is a problem solving through the use of horticulture science, artful composition and spatial organization to create attractive and functional outdoor rooms for different uses. elements visual quality hai jaise for example line form texture color visual weight and jo principles hain that are proportions order repetition and unity of design are used to create space ko connect karna them and make them visually pleasing to the eye. aapas mein space ko aapas mein designs ko connect karna and visual pleasing dena eye ko that is a creation of landscape right.